Hello everyone, welcome to Fertile Classes guys. Today I am going to discuss about the very important current affair topic guys. तो इस सेशन में हम लोग बात करेंगे सेंट्रल वीजा जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो अभी जो है वो कांग्रेस या जितने भी अपोजिशन पार्टी है जो भी गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट था उसको मतलब स्टे करने के लिए वहां पे होल्ड करने के लिए पेटिशन डाला गया, तो उसके लिए जो है वो एनवायरनमेंट के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा जो है क्या न्यूज आए हैं, आखिर ये क्यों न्यूज में है, आखिर ये विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में आज हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे गाइस, राइट। और ये सेशन आपका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप यूपीएससी 2021 22 23 या 20 की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए, राइट। एंड इफ यू वॉन्ट टू बीट COVID-19 गाइस ग्लोबल पेंडेमिक, सो प्लीज स्टे होम एंड स्टे हेल्दी। इफ यू वॉन्ट टू If you want to protect your family, your community and your society, so please stay home and stay healthy. So this is presented by me, Ashish Sir. You can follow me on an Academy Plus platform also guys. But now, I am going to start this session guys, right? Okay? तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन ये आपका रहने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जितनी भी सोशल मीडिया है उस पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलो अब यहाँ पे बात करेंगे कि कांग्रेस जो है और जितने भी पार्टीज हैं उनके द्वारा यहाँ पे जो है वो क्या किया गया है, क्रिटिसाइज किया है कि गवर्नमेंट जो है वो मूविंग अहेड विथ इट्स प्लान टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग एट अ टाइम व्हेन अ कंट्री इज बैटलिंग द COVID-19 पेंडेमिक, राइट। तो यहाँ पे जो है कांग्रेस के द्वारा यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो अभी भी, जैसे कि आपको पता है गाइस कि अभी एक प्रोजेक्ट आया था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, उस ये गवर्नमेंट का लगभग 2000 करोड़ का ये जो था आपका टोटल, सॉरी गाइस 20,000 करोड़ का ये टोटल प्रोजेक्ट था। तो इस प्रोजेक्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये प्रोजेक्ट में जो है टोटल 20,000 के प्रोजेक्ट में जितने भी आपके जो पार्लियामेंट हाउस थे प्लस में जो भी आपके ऑफिस ऑफिसेज थे जो दिल्ली में लोकेटेड हैं, तो वो सारे को फिर से बनाने के बारे में बात किया गया था। तो ये पेंडेमिक के पहले का ये बात है, लेकिन यहाँ पे अभी भी इस सिचुएशन में भी कांग्रेस के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया कि अभी पूरा देश जो है वो ग्लोबल पेंडेमिक COVID-19 के चपेट में है और इस कंडीशन में भी अगर गवर्नमेंट जो है अगर ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने के लिए अगर आगे जा रहा है तो बिल्कुल ये गलत है। ये किसके द्वारा बोला जा रहा है, कांग्रेस के द्वारा बोला जा रहा है, राइट। एंड इट शोड द गवर्नमेंट अब्सर्व द प्रायोरिटीज एट अ टाइम व्हेन द कंट्री इज फेसिंग द हेल्थ क्राइसिस, और उनके द्वारा ये बोला गया कि यहाँ पे जो भी अभी जो क्राइसिस चल रहा है इस पे अभी हम लोगों को बहुत ही ह्यूज बहुत ही बड़ा लॉस हुआ है अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो, ठीक है। जिसमें हमारा अगर हम लोग बोले तो इकोनॉमिकली हम लोग की सिचुएशन अभी बहुत ही अच्छी नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन में अभी हमारी जो देश है वो बहुत ही, और हेल्थ कंडीशन भी हमारी सही नहीं है, राइट। ओके, एंड प्लस में जो भी रिवेन्यू जनरेट होता है वो भी जनरेट नहीं हो रहा है क्योंकि पूरा देश जो है वो लॉकडाउन के चपेट में है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज के लिए जो है अब अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सेंट्रल विस्टा कमेटी के एक मीटिंग में 23 अप्रैल को अप्रूव किया गया था नए पार्लियामेंट बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन के लिए। हिंदू ने, द हिंदू में ये आर्टिकल आया है, आपका इंडियन एक्सप्रेस में भी आया है। तो हिंदू के द्वारा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये रिपोर्ट किया गया फ्राइडे को, एंड कंस्ट्रक्शन इज अ पार्ट ऑफ द रेजर लार्जर रिवैम्प ऑफ द एंटायर 3 किलोमीटर ऑफ सेंट्रल एशिया फ्रॉम राष्ट्रपति भवन एंड टिल्डू इंडिया गेट। तो ये जो पूरा का पूरा जो कंस्ट्रक्शन है जो आपका राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट का जो टोटल डिस्टेंस है 3 किलोमीटर का है, तो उसके बीच में जितने भी आपके जो अगर हम लोग बात करें तो अर्बन अफेयरिंग मिनिस्ट्री है या फिर उनके द्वारा जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी है CPWD के द्वारा, तो उनके द्वारा ये प्रस्तावित है और उन्हीं के द्वारा पूरा कंस्ट्रक्शन आपका किया जाएगा, जिसमें जो भी बिल्डिंग्स है उस सारे बिल्डिंग को जो पुराने बिल्डिंग है जैसे पार्लियामेंट बिल्डिंग को यहाँ पे नया बनाने के बारे में बात की जा रही है, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो बिल्डिंग है उसको तोड़ना नहीं है, जो पहले से अवेलेबल है वो भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है
कि आखिर ये सेंट्रल बेल्स्टा प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक ये बनेगा, ये दिल्ली में बनने वाला है। कितने हजार का ये प्रोजेक्ट था, ये 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, राइट। ओके, और ये जो है आपका प्रोजेक्ट है 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसके अकॉर्डिंग जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहां पे राष्ट्रपति भवन से लेकर आपका इंडिया गेट के बीच में 3 किलोमीटर के बीच में, तो वहां पे जो भी इंपॉर्टेंट ऑफिसेज जो रिक्वायरमेंट है वो सारे ऑफिसेज को वहां पे बनाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज बनाने के बारे में बात किया जा रहा है। आखिर सेंट्रल बेल्स्टा प्रोजेक्ट क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग मैप में भी देखेंगे कि किस तरीके से आपको कैसे जो है कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा बिल्डिंग बनने वाला है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो सेंट्रल बेल्स्टा प्रोजेक्ट क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेंट्रल बेल्स्टा प्रोजेक्ट जो है ये एक तरीके से कंसीडर किया हुआ एक रीडेवलपिंग और पार्लियामेंट हाउस या फिर जितने भी न्यू स्ट्रक्चर हैं, बिल्डिंग हैं, जो कि आपके अगर हम लोग बात करें तो लगभग ये 93 साल पुराने जितने भी जैसे हमारे बिल्डिंग्स जो है वो आपके हो गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो है उसको फिर से बनाने के बारे में बात किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऐसा बोला कि गवर्नमेंट जो है वहां पे एक न्यू पार्लियामेंट हाउस और उसको रिनोवेट करेगा जो अभी प्रेजेंट है हमारे पास, जिसमें जो भी फैसिलिटीज है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। कब तक? 2022 तक, राइट। तो अभी जो है जस्ट इन द टाइम ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द 75 ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस, ओके, जो कि आपका 2022 में ये किया जाएगा, जो कि हमारे देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे इसको जो है यहाँ पे कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। और उसका जो है नया यहाँ पे पार्लियामेंट बनाने के बारे में बात किया जा रहा है और उसको रिनोवेट किया जा रहा है के बारे में भी बात किया जा रहा है, जो एग्जिस्टिंग वन है जो अवेलेबल है उसको और अच्छे तरीके से, मतलब उसमें और जो जो फैसिलिटीज होनी चाहिए वो सारी चीज फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, इसके बारे में बात यहाँ पे किया जा रहा है, राइट। एंड अगेंस्ट द बैकड्रॉप अ सीरियस डेलिब्रेशन ऑन द डिटेल ऑफ प्रपोज रिनोवेशन एंड द रिकंस्ट्रक्शन प्लान इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जो भी डिटेल पर्पस है रिनोवेशन का रिकंस्ट्रक्शन का वो भी प्लान का रिक्वायरमेंट है। आखिर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये भी जानना जरूरी है। लेकिन उससे पहले इस हिस्ट्री में थोड़ा सा चलते हैं कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस किसके द्वारा बनाया गया था। तो पार्लियामेंट हाउस जो था वो ब्रिटिश आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया था 1912 से 1913 में, ठीक है। तो यहाँ पे दो लोग थे, एक सर एडविन लुटियंस एंड दूसरे थे, यहाँ पे आप इनका फिगर देख सकते हो, ये है सर एडविन लुटियंस एंड दूसरा है सर हर्बर्ट बैकर, राइट। फिर से नाम इसको ध्यान में रख लीजिएगा, ये है सर एडविन लुटियंस और ये है सर हर्बर्ट बैकर्स, इनके द्वारा 1912 से 1913 में ये जो है पार्लियामेंट हाउस का कंस्ट्रक्शन किया गया था। कंस्ट्रक्शन जो है मतलब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये प्रश्न मतलब डिजाइन किया गया था इस चीज को, और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब से हुआ था, 1921 में हुआ, और ये कंप्लीटेड कब हुआ था, 1927 में, ठीक है, राइट। एवरीथिंग क्लियर गाइस, एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स, ओके। अब यहाँ पे जो है ये पार्लियामेंट हाउस हमारा जो है पहले से ही ब्रिटिश के शासन काल में जो है अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे उस समय जो है ऐसा नहीं है कि ये कंस्ट्रक्शन जो है वो ब्रिटिश के द्वारा लिया गया है, ये हमारी सभ्यता से ही ये कंस्ट्रक्शन लिया गया है। जैसे कि अगर आप ये आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा तो ये एक मध्य प्रदेश में एक मंदिर है जिसका नाम है 64 योगिनी टेम्पल, जो मोनेरा डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो वहां पे उसी को देखते हुए अंग्रेजों के द्वारा ये जो है पार्लियामेंट बनाया गया था, उसी पे इंस्पायर होके अंग्रेजों ने इस पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन दिया था। आप इसको देख सकते हो और हम लोग अभी दिखाएंगे, हम लोग अभी मैप में भी चलेंगे, वहां पे भी देखेंगे किस तरीके से आपका पार्लियामेंट दिखता है, जस्ट सेम। अगर आप ऊपर से देखोगे तो जस्ट सेम इसी टाइप का आपका फिगर पार्लियामेंट का भी है। 64 योगिनी टेम्पल को एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं इके टार्सो महादेवा टेम्पल, जो कि बहुत ही एक हमारे कंट्री में बहुत ही अच्छा, जो एक प्रकार का बहुत ही अच्छा योगिनी टेम्पल है हमारे कंट्री में, जिसका कंडीशन गुड है, गुड कंडीशन में है अभी भी, तो उसके बारे में बात किया जा रहा है, राइट। तो जो आपका यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है
कि अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि आखिर उसका डिजाइन जो है वो किस चीज से रिलेटेड था। तो बिल्कुल आप 100% बोल सकते हो कि वहां पे पार्लियामेंट का जो डिजाइन है वो कौन सा मंदिर से रिलेटेड है, 64 योगिनी मंदिर से 11th सेंचुरी में उसका सर्कुलर स्ट्रक्चर जो था उसी पे बनाया गया है, जो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, मुनेरा डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, ठीक है। और उसको एक और नाम से जाना जाता है, इके टारसो मध्य महादेवा टेम्पल, ठीक है। एवरीथिंग क्लियर गाइस। अब यहाँ पे रिनोवेशन का जरूरत क्या है, रिनोवेशन का जरूरत इसलिए है गाइस क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग जो, ये सारा बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्ट किया गया था ये लगभग 100 साल पुराना हो चुका है। जैसे कि नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक जो है वो आपका नॉट अर्थक्वेक रेसिस्टेंट है, मतलब अगर अर्थक्वेक अगर वहां पे आ जाए तो वहां पे वो अर्थक्वेक को नहीं सह सकता है। तो इस कंडीशन में इसलिए यहाँ पे रिनोवेशन करने की जरूरत है, उसको फिर से मतलब बनाने की जरूरत है, राइट। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ वर्किंग ऑफ द पार्किंग स्पेस, ओके। तो जितने भी वर्कर वहां पे काम करते हैं वहां पे क्या किस चीज की कमी है, पहला तो पार्किंग स्पेस की कमी है, इम्यूनिटीज की कमी है, सर्विसेज जो होते हैं उसकी कमी है, एंड देयर इज नो लॉन्गर सपोर्ट एडेड डिमांड एंड स्पेस ऑफ एंड द सिक्योरिटी। वहां पे कोई भी ऐसा सपोर्ट नहीं है जिससे स्पेस एंड सिक्योरिटी पे भी ध्यान रखा जा सके, राइट। तो ये भी आपको, और वहां पे एक तरीके से जो सपोर्ट होता है सिक्योरिटी से या फिर स्पेस से वो मिले तो उसके लिए कोई लॉन्गर सपोर्ट वहां पे अवेलेबल नहीं है, तो जिसके लिए इसको रिनोवेशन करने की जरूरत है, राइट। और देयर इज नो चेंबर फॉर एमपीज, एमपीज के लिए वहां पे कोई ऐसा चेयर नहीं, चेंबर नहीं है, स्पेशल चेंबर, ठीक है। और यहाँ पे ये सिचुएशन जो है ये आपका बदतर होते जाएगा, खराब तो होते जाएगा जब अगर नंबर ऑफ सीट बढ़ता है, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले दिनों में नंबर ऑफ एमपीज का सीट भी बढ़ सकता है। तो उस कंडीशन में जब उनके लिए अगर एक सेपरेट चेंबर नहीं होगा तो फिर वहां पे दिक्कतें आ सकती है, राइट। और यहाँ पे देयर शुड बी इनफ स्पेस फॉर द एमपीज, देयर स्टाफ एंड मीडिया इन द न्यू रिनोवेटेड बिल्डिंग। और इसीलिए जो है यहाँ पे एक नया बनाया जाएगा जिसमें आपका क्या होगा कि एमपीज के लिए इनफ स्पेस होगा, उनके स्टाफ के लिए इनफ स्पेस होगा, मीडिया के लिए होगा, और जितने भी न्यू और रिनोवेटेड जो बिल्डिंग होंगे उसमें सारी फैसिलिटीज होगी। दूसरा, सेपरेट चैम्बर वहां पे प्रोवाइड कराया जाएगा, जितने भी इंडिविजुअल एमपीज होंगे उनके लिए एक स्पेशल चैम्बर दिया जाएगा, ओके। एवरीथिंग क्लियर। चलो अब यहाँ पे बात करेंगे, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले न्यू पार्लियामेंट हाउस जो है वो ओल्ड वन हैज अपोजिट ओल्ड वन, ओके। अब यहाँ पे देखो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का ये प्रपोजल था कि इसका एक्सपेंशन एंड रिनोवेशन फॉर ऑफ एग्जिस्टिंग द पार्लियामेंट बिल्डिंग एट द पार्लियामेंट स्ट्रीट वॉज अमॉन्ग द प्रोजेक्ट कंसिडर्ड बाई द ईएसी, ओके, ईएसी एट इट्स मीटिंग ऑन अप्रैल 22 to 24। तो ये प्रपोजल जो था, एक्चुअल में ये प्रपोजल जो था वो एक्सपेंड करने के लिए था या फिर रिनोवेट करने के लिए था जो भी एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसको, जो पार्लियामेंट स्ट्रीट पे है। तो ये ईएसी के द्वारा जो मीटिंग रखा गया था आपका 22 से 24 अप्रैल को, तो उसके अनुसार ये लिया गया, ठीक है। और ये प्रपोजल जो है ये आपका पहले भी कंसीडर किया गया था ईएसी के द्वारा, और इसका मीटिंग जो है वो आपका 25 से 26 फरवरी को भी रखा गया था, जिसमें सीपीडब्ल्यू के द्वारा ये पूछा गया था एडिशनल इंफॉर्मेशन। सीपीडब्ल्यू मींस सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये पूछा गया था एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर इसके बाद बात करें तो व्हाइल रिकंसीडरिंग द प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द लास्ट वीक मीटिंग, तो उन्होंने फिर से इस प्रोजेक्ट को रिकंसीडर करके लास्ट मीटिंग में ये बोला, ईएसी ने ऐसा नोटिस किया कि प्रोजेक्ट जो है वो सीपीडब्ल्यूडी के द्वारा ये जो है आपका 776 करोड़ से कितना चला जाएगा, मतलब सिर्फ पार्लियामेंट को बनाने में 922 करोड़ रुपीस जो है वो खर्च होने वाले हैं, अगर इसमें अगर हम लोग यहाँ पे ये जो है अगर कन्वर्ट करते हैं तो, ठीक है, राइट। एवरीथिंग क्लियर। अब यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे जो अप्रूव प्रपोजल था उसके अनुसार, अप्रूव प्रपोजल के अनुसार यहाँ पे पार्लियामेंट जो था उसका वो उसका हाइट क्या होगा, 42 मीटर जो है वो आपका इसका हाइट होगा, एंड ये फैला हुआ कितने स्क्वायर मीटर में होगा, ये 65,000 स्क्वायर मीटर में होगा,
और ये लगभग कितना एकड़ एरिया जो है ये कवर करेगा, 10.5 एरिया जो है ये एकड़ जो है वो इतना इतना एरिया को कवर करने वाला है। प्लस में साथ ही साथ ये 42,031 स्क्वायर मीटर जो है वो प्लॉट को कवर करेगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड किया गया था ये 1970s एंड 1980s में इस साइड पे, इंक्लूडिंग द एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट रिसेप्शन एंड द एसी प्लांट विच इज टोटल 5,200 स्क्वायर मीटर बिल्ट इन द स्पेस विल बी डिमोलिश्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कब किया गया था, ये आपका 1970 से 1980 में, जो कि एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट रिसेप्शन है या फिर उसके साथ साथ एसी का प्लांट है, तो ये सब 1970 एंड 1980 में ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया गया था, जो कि टोटल कितना आपका एरिया कवर कर रहा था, 5,200 स्क्वायर मीटर। ठीक है, एंड ये आपका डिमोलिश हो जाएगा, ओके, एंड इसको जो है गिरा दिया जाएगा और फिर उसी के जगह पे इसको बनाया जाएगा, बहुत अच्छे से इसको जो है बनाया जाएगा। एंड ऑफ द 333 ऑन द प्लॉट विल प्लॉट 223 विल बी द ट्रांसप्लांटेड एंड 100 रिटेन्ड। तो यहाँ पे इस प्लॉट पे 333 ट्रीज है उसको प्लॉट पे अवेलेबल है, जिसमें 223 को ट्रांसप्लांट किया जाएगा एंड 100 को रिटेन किया जाएगा, और इसके बदले यहाँ पे 290 न्यू प्लांट्स जो है, न्यू ट्री जो है उसको प्रस्तावित किया गया है कि इसको फिर से लगाया जाएगा, राइट। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो CPWD के द्वारा कोई स्टे ऑर्डर नहीं किया गया। ठीक है, तो CPWD के द्वारा यहाँ पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है उसके द्वारा यहाँ पे लैंड यूज जो है वो एक तरीके से रिक्रिएशनल है फ्रॉम टू द पार्लियामेंट इन द मास्टर प्लान ऑफ द दिल्ली हैज बीन चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट। सो CPWD क्लैरिफाइड दैट देयर वाज नो स्टे ऑर्डर। तो वहाँ पे उन्होंने बोला, CPWD ने बोला कि यहाँ पे ये जो है चैलेंज है आपका पार्लियामेंट, ये जो है मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली हैज बीन चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट, ये किया जा चुका है किस चीज में, सुप्रीम कोर्ट में। तो CPWD ने क्या किया कि इसको क्लैरिफाई कर दिया कि हमारे पास कोई भी इसका स्टे ऑर्डर जारी करने का हमारे पास कोई भी अधिकार नहीं है, राइट, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने ये भी रिस्पॉन्ड किया कि जो भी EAC के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको जो है यहाँ पे जो COVID-19 पेंडेमिक है उसके अंदर रैलिंग किया गया है, और साथ ही साथ जो CPWD ने जो सबमिटेड किया था तो उसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। मतलब सिंपल सा यही है कि जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो 93 ईयर एगो है, और यहाँ पे जो है एक तरीके से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग पार्लियामेंट के बारे में सिर्फ बात करें तो पार्लियामेंट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि पार्लियामेंट पे पिछली बार हमला भी हुआ था, तो वो एक तरीके से सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे सुरक्षित भी नहीं है, अगर आप वहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पे ये भी बोला गया है कि ओवर द ईयर मेनी प्लान एंड अनप्लान चेंजेस हैज बीन मेड ऑफन द अनडॉक्यूमेंटेड। तो यहाँ पे बहुत सारा जो प्लान जो है वो भी आपका यहाँ पे किया गया है, मतलब बहुत सालों के साथ यहाँ पे प्लान और अनप्लान चेंज जो है वो बनाया जा चुका है, जिस जो कि कितनी बार अनडॉक्यूमेंटेड है, और इट इज इन द डायर नीड ऑफ द रीटॉर फिटिंग एज सून एज पॉसिबल। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है और इसको जो है बनाना बहुत ही जरूरी है, तो इसके बारे में भी वहाँ पे उनके द्वारा बताया गया। और यहाँ पे ये बोला गया कि CPWD जो प्रोजेक्ट है वो आपका सेंट्रल वेस्टा, मतलब सिंपल सा 3 किलोमीटर सेंट्रल वेस्टा जो है फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टिल इंडिया गेट आपका प्रपोज किया गया है बाई इट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर इन अक्टूबर 2019। ये कब किया गया था, 2019 में ही किया गया था। और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट इज सपोज टू बी द कंप्लीटेड बिफोर द इंडिपेंडेंस डे ऑफ 2022। और ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे इसका कंप्लीटेशन जो है वो आपका 2022 से पहले होना चाहिए। ये किसके द्वारा बोला गया, CPWD के द्वारा, ठीक है, एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर जो है हरदीप पुरी के द्वारा ऐसा बोला गया है, राइट, ओके। अब यहाँ पे देखो कि आखिर जितने भी ऑपोजिशन हैं यहाँ पे जो है
क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो है बहुत सारा ऑब्जेक्शन आया है। लगभग अगर हम लोग बात करें तो 1292 ऑब्जेक्शन आ चुके हैं अभी तक, ठीक है, सरकार के अगेंस्ट में। जितने भी उसकी जो अपोजिशन पार्टी है वो सिर्फ वहां पे क्या कर रही है कि बिल्कुल जो है अभी हमारे देश में इस टाइप की ग्लोबल पैंडेमिक है जो जिसके कारण हमारी हेल्थ पे आप इन्वेस्टमेंट करो, आप वहाँ पे हेल्थ के साथ साथ किस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमें जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए किस चीज़ पे, आपका इकोनॉमिक को पे जो है वो कैसे हम लोग सुधार करें। तो यहाँ पे भी इतना ह्यूज अमाउंट जो है वो हम लोगों को इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने जो भी पेटिशन डाला था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज पे लास्ट वीक, तो उन्होंने एनवायरनमेंट ने ऐसा क्लियरेंस दिया कि न्यू एडिशन पार्लियामेंट बिल्डिंग इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रोवर्शियल एंड एम्बिशियस आरएस 20,000 सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। और यहाँ पे उन्होंने जो किया इसको जो है क्या कर दिया कि इसको बिल्कुल भी उन्होंने स्टे अभी तक नहीं किया है, मतलब इसको रोकने का कोई भी आदेश नहीं दिया है, ठीक है। तो ये सारा चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लगभग जो है ये जो है एक्सपर्ट्स के द्वारा अप्रेजल कमिटी जो है मिनिस्ट्री ने ऐसा क्लियर किया कि प्रोजेक्ट जो है वो 22 अप्रैल को एंड ये रिसीव हुआ है अभी तक, ठीक है, वो 1,292 ऑब्जेक्शन आ चुका है कि अभी आपको इतना ह्यूज अमाउंट जो है ये सारे चीज को बनाने में नहीं करना चाहिए। तो आई होप आप सारे लोगों को समझ में आ गया। तो ये आपका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या था, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या था और ये कितने अमाउंट का था, इसमें क्या क्या चीज आपका चेंज करना था। अब यहाँ पे अगर हम लोग मैप से अगर देखना चाहते तो मैप भी हम लोग देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, ओके। अब यहाँ पे देख लो किस तरीके से हम लोग यहाँ पे करेंगे, यहाँ देखो, ओके, वन मिनट। ओके गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से, सबसे पहले हम लोग चलते हैं इंडिया गेट, कहाँ से कौन कौन सा बिल्डिंग अवेलेबल है वो सारा बिल्डिंग को मैं यहाँ पे मैप से आपको दिखा देता हूँ, इंडिया गेट, राइट। चलो यहाँ देखिए, ये हम लोग अभी पहुंच चुके हैं दिल्ली में, ये आपका है यहाँ पे इंडिया गेट, राइट। आई होप आपको समझ यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपका प्लेस है, किस चीज को बता रहा है, यहाँ पे इंडिया गेट है ये, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देख लो और इसको जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है, ये आप देख दिख रहा होगा आपको, राइट, एवरीथिंग क्लियर। अब यहाँ पे देख लो, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो कि हम लोग इस साइड में चलते हैं, ये जो वे है, ये जो रास्ता जो आपको दिख रहा है, ये जो ICMM कॉम्प्लेक्स हॉल से होते हुए, अब अगर हम लोग इस साइड में इधर अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखो कि इस साइड में ऐसे बढ़ते हुए ये आपका यहाँ पे आ गया, इधर हम लोग चलते हैं सबसे पहले, ओके। तो ये आपका यहाँ पे आ गया किस चीज में, अब हमको पहुंचना है राष्ट्रपति भवन के पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो सारी बिल्डिंग है वो सारी बिल्डिंग यही दोनों चीज के बीच में बनने वाली है, कहाँ पे, इंडिया गेट और कौन सा होगा गाइस, राष्ट्रपति भवन। तो ये दोनों भवन के बीच में ही आपका बनने वाला है, ओके। अब यहाँ पे देख लो, वन मिनट गाइस, राइट। सो हियर, अब यहाँ पे देख लो, ये आपका है राष्ट्रपति भवन, तो यहाँ से लेके यहाँ के बीच में। अब यहाँ पे देखो, ये आपका हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर साउथ ब्लॉक, और यहाँ पे हो गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, यहाँ पे हो गया मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, जो हो गया वो आपका नॉर्थ ब्लॉक हो गया। तो यहाँ पे ये सारे चीज के बीच में ही आपका बनेगा, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे देख लो, ये है आपका पार्लियामेंट हाउस, राइट, यहाँ पे आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ओके। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आप यहाँ से देख लो, ये आपका है पार्लियामेंट हाउस, ओके, यहाँ पे दिख रहा है गाइस। तो ये आपका पार्लियामेंट हाउस को चेंज करने की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे, मतलब इसको जो है ये तो रहेगा ही, साथ ही साथ एक नया और इसमें जो है कुछ कुछ और भी बहुत सारा चीज नया चीज ऐड किया जाएगा, और साथ ही साथ एक नया भी बनाने के बारे में बात किया जा रहा है। अब देखते हैं क्या होता है, कि नया बनेगा या फिर इसमें क्या होगा,
कि नया बनेगा या फिर इसी में कुछ ऐड किया जाता है, वो दोनों चीज हम लोग देख लेंगे, राइट। तो चलिए मिलते हैं, आई होप सारा चीज आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। अगर सब कुछ क्लियर है तो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर जरूर करिएगा गाइस, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम आ सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू गाइस।